ये जो पढ़े हैं इसको कहते हैं पायलट। ये पायलट क्या होते हैं? ये बेसिकली अमेज़ॉन या इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका जो रिटर्न माल होता है या सो सेल नहीं होता, वो पायलट की सूरत में यूएई में ऐसे बड़े बड़े पायलट या बड़े बड़े कार्टन बन के आ जाते हैं और यहाँ फिर बोलियाँ लगती हैं और बोलियों की सूरत में लोग ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद इस तरह की छोटी छोटी जो केबन्स हैं या शॉप्स हैं वो बनती हैं। अब इसका तरीका क्या है मैं आपको सारा समझाता हूँ, अगर आप में से कोई करना चाहे तो बड़ा आसान है और बड़ा प्रॉफिटेबल काम है। ये काम प्रॉफिटेबल है, चलने वाला है, सदाबहार काम है और आप आकर यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ बड़े अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। ये सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर बने हुए हैं ये छपरे, जिसमें आप स्पेस लेकर यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये उसमें इनमें से कुछ यूज़ होती हैं और कुछ नई होती हैं, लेकिन होती सारी ऐसी हैं कि जो ब्रांडेड होती हैं, ज़्यादातर ब्रांडेड ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं आपके पायलट से, आपके उस कार्टन से, क्या आपकी सोच है। कभी कभी तो एक एटम, एक प्रोडक्ट पायलट के पूरे पैसे पूरे कर जाती है। तो ये एक अच्छा काम है उन लोगों के लिए जो यूएई में आकर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या उन्होंने एमरस आईडी ले ली है, अब उनके पास काम नहीं है और कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, तो उस इन्वेस्टमेंट को भी ब्रूवे काल लाते हुए इस बिज़नेस में आ सकते हैं। इसमें दो फ़ायदे होंगे, एक तो नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर खुदा न खास्ता नहीं चला या आपका समझते हैं कि वो काम नहीं हुआ तो आप उसको दूसरे छपरे वाले को सेल करके अपने पैसे ले सकते हैं। दूसरा ये कि जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जो ऑनलाइन समझते हैं कि वो ऑनलाइन बड़ा अच्छा कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना के साथ साथ ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बनाकर काम करें, अमेज़ॉन पे करें या जिस तरीके से भी करना चाहते हैं वो करें, वो भी कर सकते हैं। ऑनलाइन काम करने वाले भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो लिहाजा आप लाजमी विज़िट करें इस एरिए में, सनाइया 6 है, सनाइया 4 है, तो ये सारे एरिया में ऐसे बेशुमार छपरे आपको मिलेंगे जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलने के चांसेस हैं बिज़नेस के हवाले से। ये सारा अमेज़ॉन का है जी सर। तो आप जो दोस्त करना चाहें नहीं उन्हें क्या मशवरा देंगे, ये काम प्रॉफिटेबल है? नहीं, माशाल्लाह प्रॉफिटेबल काम है सर, इधर आके लोगों ने अपनी अपनी दुकानें ली हुई हैं और फिर हमसे वो लोग पायलट वगैरह लेते हैं। अच्छा, आप पायलट का काम? हाँ, हम इम्पोर्टर हैं इसके। अच्छा, सारे मेरे पायलट पड़े हैं ये भी पीछे, तो ये भाई लोग हमसे लेते हैं ठीक है, फिर इसको अनबॉक्स करके उनका जो किस्मत होती है वो निकल आता है। ये सारा सामान इनमें से निकला हुआ है, ये ब्लाइंड गेम होती है। लेकिन आपको तो पता होता है ना? नहीं पता होता। अच्छा, आप हमारे रेगुलर कंटेनर आते हैं। अच्छा अच्छा, तो हम लोग मंगवा के फिर इनको आगे ब्लाइंड पे देते हैं ठीक है। इनकी इनको हम लोग ऑप्शन देते हैं अपनी जगह पे उतार के कि आप कोई भी सिलेक्ट कर लें ठीक है, बीच में जो सिलेक्ट करके उनका निकलते हैं। इन्होंने भी हमसे ही लिया हुआ है, ये सारे हमारे ही माल है ठीक है, और इन्होंने भी हमसे लिया और भी काफ़ी लोग हमसे लेते हैं रेगुलर बेसिस ठीक है। तो ये माशाल्लाह अच्छा इसका रिजल्ट है। एक पायलट कितने का है? हम लोग सर जी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक का देते हैं 6000 का और कपड़े वाला देते हैं 1500 का ठीक है। तो इसमें माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें निकल आती हैं। ये अमेज़ॉन के आइटम है जिसके ऊपर ये सारा LPN नंबर लिखा होता है ठीक है, और इसमें सारी मिक्स आइटम, हाउस होल्ड आइटम निकलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक निकलता है। ये यूज़ में भी होता है या नहीं? इसमें ये सारी आइटम होती हैं कि कस्टमर रिटर्न होती है, किसी ने या फिर कस्टमर को डिलीवरी गई, उन्होंने अपने डोर से पिक नहीं की तो वो वापस अमेज़ॉन के स्टोर में आ जाती है, फिर हमारा अमेज़ॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोग को पूरे उनका स्टॉक उठाना होता है हमें ठीक है। हमारे रेगुलर कंटेनर 30-40 कंटेनर एवरी मंथ आते हैं ठीक है, तो फिर यहाँ से आगे लोग फिर पाकिस्तान लेके जाता है, तो पूरी दुनिया में जाते हैं, छोटी कंट्रीज हैं जो फील्ड है वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं ठीक है। ये एयरपॉड्स हो गए, ये डिफ्यूज़र, उसमें CCTV कैमराज, ये देखो ये ऑनलाइन 350-400 की चीज़। ये अभी अभी जितना लगा हुआ है ये कितना पैलेट है? ये सर ये एक पैलेट का सामान ये सारा या ये सारा? हाँ ये सारा, ये इसमें आपका लक होता है कि एक पैलेट में कितनी चीज़ें निकली, ओके ये किस्मत है, ये किस्मत है क्या निकले और कितनी निकले। इसमें छोटी आइटम भी निकलती हैं, ये सारी देखें आप, ये एयरपॉड, वायरलेस चार्जर और गेमिंग रिमोट्स सब कुछ है। शुक्रिया। कितना किराया थे? किराया ऐसे 1500 देंगे। 1500 देंगे? पहले कोनी से होनी कितने बनाया था? होनी पाई है
इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान पाया है अमेजोन का, बाकी पहले दूसरा सामान सी फिर खत्म किया, उन्हें अमेजोन का पाया, अमेजोन चल रहा है अच्छा। ठीक की मशवरा दोगे लोगों को? मशवरा देने हैं कि अमेजोन का सामान तुम लेवो छे नंबर से नहीं आई जो तो मार्केट को हूँ ये मसाजर है, इसकी ऑनलाइन प्राइस चेक करो तुम तो 765 रुपये का है, पर असी 250 का दे रहे हैं, इतनी कंसेशन है। ये चीज़ अगर किसी सुपर मार्केट हो तो 700 रुपये की है, हाँ 700। ये नवा है या यूज है? बिल्कुल न्यू वन, अमेजोन का सामान है, कितने मतलब घड़ियाँ पायलट जो मिलता है? हाँ जी पायलट मिलता है, पायलट कितने का मिल रहा है तकरीबन? पायलट इतने तकरीबन 6-6.5 हज़ार का मिल रहा है। ठीक है, तो उसने मतलब 200-250-300 आइटम होने। अच्छा, मुख्तलिफा तो बहुत मतलब मुनासिब घट जाता है, फी पायलट ना अल्लाह रोजी देवे तो 4-5 हज़ार रुपया कट जाता है, आ जाता है। ये सलाह थी कि क्योंकि असं देखो हूँ 700 की चीज़ है, असं 250 की दे रहे, फिर भी अल्लाह भी रिजक दे रहे हैं। और मजीद ऐसी चीज़ें जिस तरह मतलब क्या ना, काफ़ी सारे आइटम हैं, काफ़ी हो गए, काफ़ी मेकर हो गया, लाइट हो गई, ड्रायर हो गए, मसाजर हो गए, क्लीनर हो रहे। ये जरा पायलट वगैरह मिलते कि जगह तो एग्जैक्ट लोकेशन की होंगी है? ये इतों ही मिल जाते हैं, वैसे अजमान ही चीज़ों का मेन है, जरा फेयर हाउस ही अजमान हाँ। है और जेड़े नहीं खुलते, जेड़े खुले नहीं होंगे इतने तो आके खोल के बेचते हैं ना? नहीं, वो अजमान ही चीज, वो अजमान है, वो अजमान ही चीज, उसे पैक आते हैं तुसी दो, और जेड़े खुले वाले तुसी लेवे हो ना वो सही है, वो भी सही है। ओके, क्योंकि उसने विच वो भजियां टूटियां ही आइटमां नु कट लेंदे, साफ आइटमां दे दें, क्योंकि उन्हें अपना कस्टमर बनाना होता है। इस वजह नाल ये है कि माशाल्लाह सामान अच्छा है अमेज़न का, और आप एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, इसको साइड बिज़नेस की सूरत में भी कर सकते हैं, इसको आप फुल टाइम कर सकते हैं, इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, या इसको लेकर यहाँ पे कोई लड़के छोड़ के आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, लोगों ने एक एक बंदे ने यहाँ पे 6-6, 8-8 अपने 10-10 ठिए बनाए हुए हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पर काम के लिए छोड़े हुए हैं, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा था कुछ ऐसा बिज़नेस बताएं कि जिसमें लाइसेंस ना लेना पड़े कम से कम, क्योंकि लाइसेंस लेने के और बड़े मसाइल होते हैं, ऑफिस चाहिए, फिर सेटअप चाहिए, फिर हर साल रिन्यू करवाना होता है। आपके पास एमरस आईडी है, आप यहाँ पे आ गए, आप अपना छपरा लेके या अपना एक जगह लेकर ठिया लेकर आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है भाई, हर किसी का कोई ना कोई कहीं ना कहीं अकाउंट चल रहा है, तो साथ साथ आप ऑनलाइन भी उस चीज़ को बेच सकते हैं। बड़े ही मज़े का काम है। जो मेरा YouTube चैनल है वो आपको ऐसी एडवाइस ज़रूर देता रहेगा UAE के अंदर कि आप कैसे कौन सा कब कहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हर टाइम रहती हैं, तो उनमें से ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए UAE में जॉब की निस्बत बिज़नेस करने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों तक ये मैसेज पहुंच सके, और काफ़ी सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म पॉइंट नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन में डाल दूंगा, उस लोकेशन पे आएँ और विज़िट करें और स्टार्ट लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।